So in the previous video, we had a small discussion regarding the introduction of theory of computation. हमने पिछली वीडियो में देखा था कुछ एक स्टोरी मैंने बनाने की कोशिश की थी ताकि आपको इस सब्जेक्ट की एक रिलेवेंस के बारे में पता चले या फिर ये सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में पता चले. लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट की स्टार्टिंग के लिए सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देर आर मैनी पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सर नॉम शॉम्स्की. सो जब भी हम इस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर आने के बाद कि मैं उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ कि कहाँ से ही आया, कैसे आया और क्यों आया, ताकि थोड़ा सा आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो और आप हर चीज़ के बारे में कॉन्टेक्स्ट और रिलेशंस बना सकें. अब देखो, इस सब्जेक्ट में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब मैं थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला जो है वो है हमारे पास लैंग्वेज. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ग्रामर. और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मशीन्स. सो मैं कह सकता हूँ कि मशीन्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सब्जेक्ट का. हम तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे, लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है और मशीन्स क्या होती है. पहले एक थोड़ा सा रिलेशनशिप आपको देता हूँ कि इन तीनों चीज़ों में रिलेशनशिप क्या है. देखिए, लैंग्वेज जैसे कि हम एक नेचुरल फॉर्म में बात करते हैं, आप और मैं, हम दोनों, हम लोग जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एक लैंग्वेज के मीडियम यानी कि एक लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं. मैं इस समय पर हिंदी में बोल रहा हूँ और आपको हिंदी में समझ आ रहा है, तो ये क्या है, दिस इज़ लैंग्वेज इज एक्टिंग एज ए मीडियम. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आई से द लैंग्वेज इज इंग्लिश. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. ठीक है, उसी तरीके से अब इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, और उस तरीके से हम अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन जब भी मैं यहाँ पर वर्ड्स की बात करता हूँ, यानी कि हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग भी होता है. ठीक है, अब देखिए, इंग्लिश के अंदर जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो उसके लिए वी नीड वर्ड्स एंड वी नीड सेंटेंसेस. विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो जब मैं सब्जेक्ट में वर्ड्स की तरह से बात करूँगा, यानी कि इट इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग, इट इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग. ठीक है, और सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग्स. अब देखो, सेंटेंस बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास ग्रामर. और ग्रामर में अगर मैं कहूँगा तो उसको बोलेंगे ग्रामेटिकल रूल्स. ग्रामेटिकल रूल्स यानी कि कुछ रूल्स की हेल्प से हम यहाँ पर सेंटेंसेस को बना सकते हैं. उसी तरीके से अब जैसे ग्रामेटिकल रूल्स क्या है हमारे पास, वी हैव अ सेंटेंस. अब सेंटेंस किस किस चीज़ से बना हो सकता है, ये बना हो सकता है नाउन से या फिर वर्ब्स के कॉम्बिनेशन से. तो इस तरीके से हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है, वी हैव नाउन्स, वी हैव वर्ब्स, वर्ब्स के अलावा वी हैव एडवर्ब्स, वी हैव एडजेक्टिव्स, वी हैव डिफरेंट रूल्स हियर. तो कई सारे इस तरीके से जो रूल्स होते हैं, दीज आर, जब मैं ग्रामर की बात करता हूँ, व्हाट इज़ अ ग्रामर, ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. अभी सेट ऑफ रूल्स करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स यू विल बी एबल टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेस एंड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स दीज वर्ड्स आर यूज इन सेंटेंसेज. तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स सेंटेंसेज में यूज होते हैं और इन सेंटेंसेज को बनाने के लिए हम एक ग्रामर का यूज़ करेंगे. ठीक है, उसी तरीके से जब हम मशीन्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो मशीन्स का मतलब क्या, देखो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज नॉट अ वैलिड वर्ड. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि वी हैव बैट, नाउ बैट इज अ वैलिड वर्ड. व्हेन आई से कैट, नाउ कैट इज अ वैलिड वर्ड. व्हेन आई से डैट, नाउ डैट इज नॉट अ वैलिड वर्ड, राइट. इफ आई से फैट, नाउ फैट इज अ वैलिड वर्ड. इफ आई से ईट, ईट इज अ वैलिड वर्ड, करेक्ट. देन वी हैव गैट, जी ए टी, नाउ इट इज़ नॉट अ वैलिड वर्ड. सो इस तरीके से अगर आप कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को या कैरेक्टर्स को लेंगे, नाउ एवरी कॉम्बिनेशन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ वैलिड वर्ड. तो इनमें से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जो कि हमारे पास वैलिड होते हैं और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जो कि हमारे पास वैलिड नहीं होते. ठीक है, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन. नंबर वन, द कॉम्बिनेशंस विच आर वैलिड, एंड सेकेंड वन द कॉम्बिनेशंस विच आर इनवैलिड. ठीक है, तो इस मशीन्स का काम क्या है,
यहाँ पर हम जो मशीन्स बनाएंगे दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट इन अ लैंग्वेज व्हाट आर वैलिड वर्ड्स और यू कैन से स्ट्रिंग्स एंड व्हाट आर इनवैलिड वर्ड्स एंड व्हाट आर इनवैलिड वर्ड्स यानी कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि वैलिड हैं और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि इनवैलिड हैं। इन चीज़ों का डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर मशीन्स का यूज़ करेंगे और इन मशीन्स को हम बेसिकली टर्म देंगे ऑटोमेटा। अब देखिए हम काफ़ी बुक्स में आप एक टर्म को पढ़ेंगे ऑटोमेटन विच इज़ AUTOMATON एंड वी हैव ऑटोमेटा। नाउ दिस ऑटोमेटा इज जस्ट अ प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑटोमेटन। सो ऑटोमेटन इज अ सिंगुलर फॉर्म दैट इज हम इसको सिर्फ एक सिंगल मशीन के लिए फिर एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब ऑटोमेटा हम प्लूरल फॉर्म यानी कि सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास ग्रामर्स हैं, हमारे पास मशीन्स हैं। तो मेजरली जब हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो इसमें मेजर जो पोर्शन है पूरे सब्जेक्ट का आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द सब्जेक्ट इज जस्ट रिलेटेड टू लैंग्वेज ग्रामर्स एंड मशीन्स। जब इन लैंग्वेज ग्रामर्स और मशीन को पढ़ लेंगे इन सबको कंप्लीट करने के बाद यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हम समझेंगे कि इनमें लिमिटेशंस कहाँ कहाँ पर है, लिमिटेशंस कहाँ हैं। जब हम कैलकुलेशन पावर की लिमिटेशंस को चेक करेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि मशीन जो हम रिप्रेजेंट करेंगे कौन सी ऐसी मशीन है उसकी लिमिटेशन क्या है, वो क्या चीज़ नहीं कर सकती, उस तरीके से फिर उस मशीन में हम कुछ इंप्रूवमेंट्स करेंगे, फिर दूसरी मशीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पर चेक करेंगे कि उन मशीन्स की लिमिटेशंस क्या है और उन लिमिटेशंस को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक एंड पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ऐसे फेज पर आ जाएंगे जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनमें से कोई भी मशीन सॉल्व नहीं कर सकती। ठीक है, और उसके अलावा अगर वो चीज़ें ये मशीन सॉल्व नहीं कर सकती तो क्या हमारा जो मॉडर्न डे कंप्यूटर है क्या ऐसी कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो कि हमारा मॉडर्न डे कंप्यूटर है वो भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो उस चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे पूरे सब्जेक्ट के अंदर। तो पूरे सब्जेक्ट का जो बेसिस है वो चार चीज़ों से बना है। पहला, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, आपको बताऊँगा लैंग्वेज क्या होती है। अब यहाँ पर जो लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे जिसके बारे में बताऊँगा ऐसा क्यों करते हैं। दूसरा, हमारे पास व्हाट इज़ अ ग्रामर यानी कि ग्रामर से हम लैंग्वेजेस को लैंग्वेजेस एक कुछ सेंटेंसेस को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, मशीन्स, जो मशीन्स ये बताएंगे कि किसी लैंग्वेज के अंदर वैलिड वर्ड्स और इनवैलिड वर्ड्स कौन से हैं। और चौथा, द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज़। नाउ लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं जहाँ पर हम प्रॉब्लम्स की कैटेगरीज भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास पी टाइप प्रॉब्लम, एन पी टाइप प्रॉब्लम, एन पी हार्ड प्रॉब्लम, एन पी कम्प्लीट प्रॉब्लम। अब ये जो पी टाइप एन पी टाइप प्रॉब्लम है ये सभी प्रॉब्लम्स आप एल्गोरिथम सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं। एल्गोरिथम सब्जेक्ट में भी पी एन पी एन पी हार्ड एंड एन पी कम्प्लीट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो मोस्टली हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर कुछ स्टेप्स एग्जिस्ट करते हैं यानी कि उसके लिए कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए भी नो कि स्टेप्स क्या होंगे, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फॉर अ लार्जर इनपुट वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती इन योर मॉडर्न डे कंप्यूटर्स। ठीक है, तो वही चीज़ें हम एल्गोरिथम के अंदर डिस्कस करते हैं। एल्गोरिथम्स के अंदर की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व आप कर सकते हैं लेकिन उसको अपनी कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी हमारे पास इतनी नहीं है कि उसको हम कंप्यूट कर सकें। जैसे कि एक हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, इस तरीके से देयर आर लॉट ऑफ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और वैसी ही चीज़ें हम यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट लैंग्वेजेस, कि लैंग्वेजेस हम किस तरह के लैंग्वेजेस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।